आत्मा ना कभी आती है ना जाती है, यह ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। प्रकृति की आत्मा से सम्मुख गतिशील है और इसी गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृतिक नहीं बल्कि वह गतिशील है। जब तक आत्मा ऐसा सोचती रहती है तब तक बंधन में रहती है, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा बंधन में रहती है तब तक उसे जीव कहते हैं। इस तरह तुमने देखा कि समझने की सुविधा के लिए ही हम ऐसा कहते हैं। तो जीवन यथार्थ आत्मा ऊंचे या नीच स्तर पर आते जाता रहता है, यही सुप्रसिद्ध पुनः जन्मवाद का नियम है। सृष्टि इसी से बंध में है, बंधी है।